नमस्कार और आप सभी का स्वागत है तीरू डीपीएस के एक नए व्लॉग में। आज हम लोग करने वाले हैं बनारस की ठंड में घाट वॉक, जो कि होने वाली है हरिश्चंद्र घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट। चलिए शुरू करते हैं। घाट वॉक की शुरुआत हो रही है हरिश्चंद्र घाट से। इस समय हम लोग हैं हरिश्चंद्र घाट के पास। मणिकर्णिका घाट के बाद सबसे ज़्यादा महत्व हरिश्चंद्र घाट का है जब बात क्रियाक्रम की आती है। तो ये आप देख रहे हैं गंगा जी के साइड हरिश्चंद्र घाट ही, और इधर से अगर मैं आपको दिखाऊं, आज कोहरा कम होने की वजह से शायद आपको टेंट सिटी दिख रहा होगा, मतलब हमें तो साफ दिख रहा है। कैमरे में कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है बता दें। पहले तो थोड़ी बहुत एंट्री भी थी, लेकिन इस समय टोटल एंट्री बंद कर दी गई है टेंट सिटी में। आज इस वक्त कोहरा काफ़ी कम है, इस वजह से मतलब ठीक ठाक विजिबल है। और आज हम लोग चलने वाले हैं हरिश्चंद्र से लेके मणिकर्णिका घाट। हरिश्चंद्र से आगे बढ़ते ही जस्ट उसके बगल में पड़ता है लाली घाट। इसका कुछ खास मायना है नहीं, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। ये सारे जो होते हैं, जो घाट के किनारे होटल्स हैं, उनके जो कपड़े रहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये सब बाथरूम वाले टॉवल्स हैं, तो वो आते हैं धोए जाते हैं, यहीं पे सुखाए जाते हैं। ये जो है, ये आप सामने जो देख रहे हैं, ये काफ़ी फेमस अखाड़ा है। ठीक सामने हमारे बजरंग बली जी विराजमान है। ये समझ नहीं आता ये लोगों को फ़ोटो शूट करने में क्या मज़ा आता है, क्या ज़रूरत है भाई बजरंग बली के सामने फ़ोटो शूट करने की। गजब गजब नशा है भाई लोगों में। यहाँ भी फ़ोटो शूट चल रहा है। तो मेरे बाएं तरफ है विजयनगर घाट और उसके जस्ट बगल में है केदार घाट। तो मैं इधर ही बता दूं, ये सामने जो है ये राम कृपेश्वर महादेव मंदिर है, और इस तरफ केदारेश्वर मंदिर है, जिसका हमारे दक्षिण भारतीय जो साथी हैं उनके लिए इसका बहुत महत्व है। गौरी केदारेश्वर मंदिर, श्री कुमार स्वामी मठ, आप देखेंगे आपको यहाँ पे पूरे टाइम दक्षिण भारतीय लोग हमेशा मिलेंगे आपको, और आप देखेंगे उस पर लिखा भी उसी लैंग्वेज में है। बहुत खूबसूरत मंदिर है। इस तरफ देखेंगे तो ये कुंड है जो सिर्फ बरसात में भरता है, ऐसे तो सूखा रहता है ये। इस तरफ ये पूजा पाठ चल रहा है। नावें कुछ कम दिख रही है आज, वैसे ठंडी के हिसाब से कुछ नावें कम हैं। नहीं ऐसे तो बहुत ज़्यादा ही चलती हैं। ये काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पूरा सुबह से लेकर आप शाम को किसी भी टाइम आ गए, स्पेशली ठंडी में यहाँ मैच चलता रहेगा हमेशा। हमेशा ही क्रिकेट चलता रहता है। इस वाले घाट का नाम है चौकी घाट। अब इसका कुछ खास मायना है नहीं, जो महत्वपूर्ण है वही मैं बताऊँगा। अगर आपको जानना हो कि हर घाट की अपनी क्या कुछ स्पेशल है या उसके नाम में क्या है, तो आगे कभी स्पेशल एक अलग वीडियो बना दी जाएगी। इधर भी देखिए मैच चल रहा है लड़कों का, पतंग भी उड़ रहे हैं। फंस गया। ये देखिए यहाँ पे लोग सोए हुए हैं। थोड़ा स्पेशियस घाट है और ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ऐसे ही कुछ नज़ारा मिलेगा आपको। अगला है छेमेश्वर घाट, और इसी के ठीक सामने कुमार स्वामी मठ। आज लेकिन तब भी मैं कहूँगा आज नावें बहुत कम है उसी हिसाब से। ऐसे तो हम लोग आते थे, क्या थे पिछली बार जब आए थे, अच्छी खासी भीड़ थी, बहुत तगड़ा था भाई साहब, नावें नाव चल रहा था। रुद्राक्ष लगा हुआ आगे। अब आता है मानसरोवर घाट। ये मानसरोवर घाट है, यहाँ भी सब जगह रुद्राक्ष लगा हुआ है। और ये है नारद घाट।
मानसरोवर घाट के बाद अगला पड़ रहा है नारद घाट। और आप देखेंगे घाट वॉक एक संगठन भी है, ये देखिए सामने आप देख सकते हैं घाट वॉक लिखा हुआ। तो ये घाट वॉक सारे घाटों पर मैक्सिमम जगह लिखा हुआ है। हाँ, ये घाट वॉक मैं जानता हूँ, बनारस के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर वीएन मिश्रा, तो उन्हीं के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया है। यही ग्रुप घाट वॉक जब करता है तो हर जगह अपने चीज़ों को मेंशन करता है, उनका एक ग्रुप ही है। अगला पड़ता है देखिए राजा घाट। इन सब की कहानियाँ मैं आपको किसी एक सेपरेट वीडियो में समझाऊँगा, आप कहेंगे तो फिर अगला वीडियो बनाया जाएगा इस पर। और आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा होटल्स के जितने भी बेडशीट कपड़े जो भी होते हैं टावल सब सुखाए जाते हैं। ये देखिए सारे बेडशीट हैं, बाथरूम वाले टावल्स हैं, सब यहीं पे धोते हैं लोग और यहीं पे सुखाते हैं। ये देखिए सारे होटल्स वाले, आगे वहाँ पे जो है बाथरूम वाले टावल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे सब बेडशीट्स हैं, यहाँ हमेशा ही लगा रहता है। ये देखिए इस तरफ भी, ये तो अच्छा पिलो कवर है, वो भी पिलो कवर है। इस तरफ है पांडे घाट, ये भी पांडे घाट की सीढ़ियाँ हैं। वाह, पता नहीं कैमरे में दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं चिड़िया लोग। अभी हम लोग सबसे बेस्ट जगह दशाश्वमेध के काफ़ी करीब आ रहे हैं, इसलिए आपको धीरे धीरे अब यहाँ से भीड़ जो है थोड़ी बढ़ती दिखाई देगी। इस तरफ जो बिल्डिंगें देखें आप, काफ़ी हेरिटेज हैं, सब ज़्यादा अच्छे से मेंटेन नहीं है ये सब, लेकिन मुझे लगता है मेंटेन किया जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ये है चौसट्टी घाट, हर जगह मैं देख सकता हूँ काफ़ी खूबसूरत जो है आपको बिल्डिंगें दिखाई देंगी। अब देखिए जो नावों की भीड़ आपको लगातार दिख रही है, क्योंकि ठीक सामने जो है दशाश्वमेध घाट आने वाला है जस्ट थोड़ी दूर में, इसलिए आपको पब्लिक और नाव दोनों की भीड़ ज़्यादा दिखने लगेगी। ये है दरभंगा घाट, इसके बगल में है राणा महल घाट, और इस तरफ आप देखेंगे तो ये रास्ता जहाँ से अभी हम लोग आ रहे हैं हरिश्चंद घाट की तरफ से, और सामने आपको यहाँ पर टेंट सिटी दिख रहा होगा, और ये जो सामने आप पैच दिख रहे हैं ये दशाश्वमेध घाट से उस पार का नज़ारा है जहाँ पे लोग जाते हैं मज़ा लेने के लिए। और इस तरफ आपके जो है सामने दशाश्वमेध घाट दिख रहा है, और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है जहाँ से आप बहुत शानदार नज़ारा ले सकते हैं। देख रहे होंगे काफ़ी कमाल का खूबसूरत नज़ारा बना रहे हैं, ये सामने है दरभंगा घाट और ये इसके ठीक सब मतलब ये दरभंगा घाट पे ही बृजनुमा पैलेस बना हुआ है, सामने हमारे बजरंगबली का मंदिर है, और इधर ही से हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं दशाश्वमेध घाट के पास। देखिए काफ़ी खूबसूरत जो है पेंटिंग बना के लगाई जाती है, जनरली असी घाट पे आपको ये सब ज़्यादा दिखेगा लेकिन यहाँ पर भी है। फूल सारे सड़ चुके हैं लेकिन इसको बदला नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। इस वक्त हैं हम लोग अहिल्या बाई घाट पे, ये बाएं तरफ मेरे अहिल्या बाई घाट, और इसके ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं अहिल्या बाई घाट के ऊपर, यह है अहिल्या बाई जी का महल। वैसे अहिल्या बाई महल के ऊपर मेरी एक वीडियो है, ऊपर आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। दशाश्वमेध घाट का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर,
ये देखिए इस तरफ जितना भी गंगा जल पूजा के आइटम्स सब रखे हुए हैं। भैया तो बैग लेके आ गए यहाँ पर। और ये है जी दशाश्वमेध घाट का आरती स्थल। शाम को यहीं पर आरती होती है जिसको देखने के लिए कमाल की भीड़ जुटती है। वर्ल्ड फेमस है, मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं उस बारे में। भाई साहब सफाई का प्रोग्राम भी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, सामने आप देख रहे होंगे। ये है मेन रास्ता दशाश्वमेध घाट आने का। ये सीवेज पंपिंग स्टेशन ही दशाश्वमेध घाट को कहते हैं। देखिए पूजा पाठ का सारा प्रोग्राम यहाँ पर होता है और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। नाव भी जा रही है लगातार, काफी ज्यादा नाव की भीड़ आज। वैसे मैं सही कहूँगा भीड़ कुछ कम है। आई चले दशाश्वमेध घाट से आगे बढ़ते ही बाएं तरफ ही पड़ता है मान मंदिर घाट और ऊपर जो है मान महल है। यहाँ ऊपर बहुत अच्छा लाइट शो होता है, आप चाहें तो आके अटेंड कर सकते हैं। शाम को जब आप आएंगे ना तो यहाँ पे आपको लगातार जो है कोई ना कोई ऐसे नहीं गाना वाना बजाते हुए गाते हुए आपको मिल जाएंगे। अब माहौल बना रहता शाम को। तो आपका त्रिपुर भैरवी घाट, और मैं आपको बताऊं ये जो आप स्लोप देख रहे हैं ऊपर वहाँ तक, ये लोगों के मनोरंजन का साधन है पूरे टाइम। ये देखिए बच्चे आपको दिख गए, बच्चे नहीं यहाँ बड़े भी बच्चे हो जाते हैं। यहाँ से ऊपर दौड़ के जाएंगे वहाँ तक पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब कोई उसमें चूका तो फिर मज़े ही मज़े। ये बड़ी अच्छी चीज़ दिखी, अब मैं आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए लिखा है पेशाब करना मना है, भाई साहब जा भी रहे थे, चलो समझा दिया गया। इस जगह को नरक बना दिया गया था कुछ दिन पहले तक, लेकिन ये चीज़ मेरे को देख के अच्छा लगा कि कम से कम इसको रोका गया। फिर भी लोग मानते कहाँ हैं? हाँ करने वाले तो करके ही मानेंगे, लेकिन वो स्पेशली रात में होता है। दिन में तो मान लो आदमी देख लेता मना कर देता, रात में नहीं हो पाता। बाएं तरफ है मीर घाट, ये भी काफ़ी स्पेशल घाट है, यहाँ से बहुत लोग आना जाना करते हैं हमेशा। मीर घाट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरफ। तो घाट वॉक में अब हम पहुंचे हैं बनारस की सबसे स्पेशल प्लेस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। आइए आपको यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। इस समय मैं हूँ ललिता घाट पे, ये ठीक सामने आपका नेपाली मंदिर, और इस तरफ है राज राजेश्वरी मंदिर, यहाँ से आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। और ये हमारा प्यारा और खूबसूरत काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। वाह माहौल आज काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो नावें बहुत सारी लगी हुई हैं। सूरत काशी विश्वनाथ द्वार को देखते देखते हम चल रहे हैं अपने घाट वॉक को एंड करने की तरफ, जो कि एंड होगा जीवन के सच के साथ, मणिकर्णिका घाट। ना ही इसे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ना ही कुछ बताने की, सभी को सब कुछ पता है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घाट वॉक के एंड पे, मणिकर्णिका घाट पे, जीवन के सच के साथ। इस घाट वॉक को भी हम यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद अगर आप वीडियो के इस एंड तक पहुंचे हैं, जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं फिर किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, अपना ख्याल रखिएगा।